हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की रेसिपी है देसी स्टाइल स्पाइरल पास्ता, विच इज़ गोना बी वेरी डिलिशियस। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया है रिफाइंड ऑयल, 1/4 स्पून जिंजर पेस्ट, 'से हम अच्छे से पक जाने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है गार्लिक पाउडर, आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं सो दैट ही गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब कुछ वेजिटेबल्स। तो पहले हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस, देन इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिलीज। इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। आपको इसे 2 मिनट के लिए कुक करना होगा, जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड रेड टोमेटोज, देन ग्रीन कैप्सिकम, हम इसे फिर से अच्छे से चला लेते हैं ताकि हमारी वेजिटेबल्स मीन्स वेजीज अच्छे से कुक हो जाए। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 स्पून व्हाइट सॉल्ट डाला है, 1 स्पून चिली पाउडर रेड चिली, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर, 1 स्पून पास्ता मसाला एंड 1 स्पून मीट मसाला। बस हमारे ये स्पाइसेस पूरे पड़ चुके हैं। अब स्पाइसेस को भी हम अच्छे से पका लेते हैं। जब आप स्पाइसेस को रोस्ट करते हो ना, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। यहाँ पे मैंने पास्ता को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली थी। अब मैं इसमें डालूँगी अपने बॉईल्ड पास्तास को। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारे सॉस जो टेस्ट को इन्हांस करेगा और इसे बहुत ही डिलिशियस बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला है 1 स्पून वाइट विनेगर, 1 स्पून सोया सॉस, 2 स्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 स्पून रेड सॉस, आप रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। एंड नाउ बस आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरी वेजिटेबल्स को, पूरी वेजीज़ को और पूरे अपने स्पाइसेस सॉसेस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपका ये पास्ता एकदम रेडी हो जाएगा। इसे हम 2 मिनट के लिए स्टीम में डाल देंगे एंड आफ्टर दैट आपका डिलिशियस पास्ता बन करके एकदम रेडी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली है, आपको इसे अगर बहुत चीज़ी बनाना है तो आप चीज़ और डाल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा पास्ता बन करके एकदम रेडी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।